आप सभी लोग हमेशा चर्चा में सुनते रहते हैं सिंधु जल संधि। आप देखते हैं भारत पाकिस्तान के बीच हमेशा एक विवाद का कारण बनी रहती है। जब भी आप देखिए कि पाकिस्तान से हमारी झड़प होती है, तब हम बात भी करने लगते हैं, इसे रद्द करने की बात करने लगते हैं। तो ये उसी से संबंधित आर्टिकल है आपका, क्योंकि अभी आपने देखे हैं जो सिंधु जल संधि हुई थी, इसे 60 वर्ष पूरे होने वाले हैं, इसी के उपलक्ष्य में ये आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। हाल ही में देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। एक कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ठीक है, सिंधु जल संधि की बात करें अगर हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी की, तो सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः 6 नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज आपकी शामिल हैं। कितनी? 6 नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है, हालांकि इसका एक छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में भी मिलता है आपका। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची, पाकिस्तान में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इसमें कौन शामिल था? विश्व बैंक। ठीक है, यानी कि एक कह देते ना बिचौलिए की तरह, तो बिचौलिया कौन था? विश्व बैंक। इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियां रावी, सतलज, ब्यास, याद रखिए इस नदियों को कई बार पूछ लेता है, रावी, सतलज और ब्यास के जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया। जबकि अगर आप पश्चिमी नदियों की बात करें, झेलम, चेनाब, सिंधु के जल को पाकिस्तान को दिया गया। संधि के तहत भारत के लिए निर्दिष्ट घरेलू, गैर उपभोग और कृषि उपयोग को छोड़कर इसके, ठीक है, एक बात याद रखिए यहाँ की जो पूर्वी नदियां हैं आपकी 3, रावी, सतलज और ब्यास, ये भारत के अंडर में आती हैं, और जो 3 नदियां हैं झेलम, चेनाब, सिंधु, ये जल किसके लिए है? पाकिस्तान के लिए। अगर हम लोग एक तरह से इन नदियों को अगर बंद कर दें, इन पर बांध बना दें, तो आधे तो लोग आप सोचिए कि प्यास से मर जाएंगे वहां, पूरी तरह से वो लोग इसी निर्भर हैं, इसी नदियों पर। इसके साथ ही भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत पनबिजली उत्पादन का अधिकार भी दिया गया है इन नदियों पर, पश्चिमी नदियों पर। स्थायी सिंधु आयोग की बात करें तो सिंधु जल संधि 1960 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत इस संधि के क्रियान्वयन हेतु एक स्थायी सिंधु आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इस संधि के तहत आयोग की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जानी चाहिए, तथा संधि के अनुसार यह बैठक हर वर्ष बारी बारी भारत और पाकिस्तान में आयोजित की जानी चाहिए। सीधा सा मतलब है कि एक तरह से इस पर जो भी अगर विवाद हो रहे हैं, तो उसके लिए कम से कम साल में एक बैठक होनी चाहिए, और बारी बारी से कहने का मतलब है कि एक बार भारत में हो गई, दूसरी बार पाकिस्तान में हो जाए, इस तरह से। देखिए आप लोग, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये है इंडस यानी कि सिंधु, झेलम हो गई, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये जम्मू कश्मीर आपका क्षेत्र है, लाइन ऑफ कंट्रोल दिख रहा है, इस तरफ का हिस्सा जो है इस पर पाकिस्तान कब्जा किए हुए है, समझ, ये चाइना क्लेम किए हुए है, यहाँ अक्साई चीन आप कहते हैं ना, ये पाकिस्तान ने किया किया था कि चाइना को गिफ्ट में एक तरह से दे दिया था, तो यही विवाद चलता रहता है हमारा चाइना से, अभी हाल में जो चल रहा है यही है। ठीक है, तो यहीं से बह जाती है, और ये आपका पड़ोसी हो गया पाकिस्तान। संधि का परिणाम और भारत का दृष्टिकोण अगर हम देखें, तो इस समझौते से पाकिस्तान को सीधा लाभ प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसके तहत भारत ने 80.52% जल पाकिस्तान को देने पर सहमति व्यक्त की, जबकि भारत को मात्र 19.48% जल की ही प्राप्त हुआ है। आप समझिए, इतनी हम लोग मदद करने के बाद भी ये लोग मतलब फिर भी बाज नहीं आते हैं। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि कुत्ते की पूंछ पुगैया में डाली, जब निकाली सो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। अभी आप देखिए, हम लोगों ने कोरोना महामारी के टाइम हम लोगों ने सबकी मदद की है, नेपाल की हम लोगों ने सबसे पहली वैक्सीन दी नेपाल को, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि नेपाल चाइना की गोद में जाकर बैठ गया है, उसकी भाषा बोल रहा है, यहां तक बोला है कि मतलब आप सोचिए कि हमारा जो चाइनीज वायरस है, इससे खतरनाक वायरस इंडिया है, इंडिया हमारे देश में वायरस फैला रहा है कोरोना। तो आप समझिए कि मतलब एक तरह से उसने नया मैप भी जारी किया हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान को आप देखिए, उसने भी एक नया मैप जारी कर दिया है, उसने पूरा जम्मू कश्मीर अपने अंडर में बता दिया है,
लद्दाख को भी अपने अंडर में बता दिया है, और छोड़िए गुजरात का, आप देखिए जूनागढ़ को भी अपने अंडर में बता दिया है। तो एक कहावत और सुनते हैं आप लोग कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी विदेश नीति में बदलाव करके जो जैसा है वैसा व्यवहार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर नहरों के निर्माण के लिए 83 कितना 83 करोड़ रुपए पाउंड स्टर्लिंग में देने पर भी सहमति व्यक्त की। भारत ने पूर्वी नदियों पर पूर्ण अधिकार के लिए पश्चिमी नदियों पर अपनी मजबूत स्थिति के बावजूद भी इसके जल को पाकिस्तान में जाने दिया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान की लगभग 2.6 करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई सिंधु नदी या इसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास में जल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए प्रस्तावित राजस्थान नहर और भाखड़ा बांध के लिए पूर्वी नदियों के जल को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक था। इसके बिना पंजाब और राजस्थान में सूखा एवं कृषि उपज की भारी भारी कमी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को लेकर भी सचेत थे कि भाखड़ा नहरों के निर्माण के कारण पाकिस्तान को जल की आपूर्ति कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हालात होना चाहिए। हालांकि वे इस बात पर भी स्पष्ट थे कि पूर्वी नदियों पर भारत के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। आप समझ सकते हैं, इतनी टेंशन हुआ करती थी हमें अपने पड़ोसियों की प्रति, लेकिन पड़ोसियों की हमारी पड़ोसियों का कर्तव्य नहीं बनता है कि वही हम लोगों के लिए कुछ सोचे। वही है कि आप लोगों को अधिकार दे दिए गए हैं, आप अपने अधिकार के लिए लड़ जाते हैं किसी से, लेकिन आप अपने कर्तव्य के लिए आप दूर दूर तक आपका लेना देना नहीं है। यानी कि आप कर्तव्य अपने भूल जाते हैं, मौलिक कर्तव्य आपको भी दिए गए ना, वैसा ही हाल है। इस दृष्टिकोण के पीछे उनका मत था कि भविष्य में भारत और पाकिस्तान भी अमेरिका तथा कनाडा की तरह मित्रवत शिष्टाचार पूर्वक साथ रह सकेंगे। देखिए, एक आपने देखा होगा कि देखिए हम पड़ोसी अपने नहीं बदल सकते हैं, इनसे हमें अच्छा व्यवहार रखना होगा, इन्हें साथ लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए उस समय प्रधानमंत्री जो भी रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू देखें, फिर चाहे उसके बाद कोई भी देखें, हम लोग इसलिए पाकिस्तान से मित्रता एक तरह से समझौता करते रहते हैं कि ये सभी हमारे पड़ोसी हैं, और अगर हमें आगे बढ़ना है, पावरफुल बनना है, तो इन्हें साथ लेकर चलना होगा। समझ रहे हैं? अगर विवाद और चुनौतियों की अगर हम बात करें, तो वर्ष 1976 के बाद से भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर सलाल पन बिजली परियोजना चेनाब नदी पर, एक कई बार पूछ लेता है, याद रखिए सलाल पन बिजली परियोजना चेनाब नदी पर है, बुलर बैराज परियोजना, बगलीहार जल विद्युत परियोजना और किसन गंगा पन बिजली परियोजना जैसी कई परियोजनाओं पर कार्य शुरू होने के बाद से ही पाकिस्तान ने भारत पर संधि के उल्लंघन तथा पाकिस्तान में पानी की कमी के लिए जिम्मेदार होने का आरोप भी लगाया है। पाकिस्तान के अनुसार पश्चिमी नदियों पर भारत की परियोजनाएं संधि के तहत निर्धारित तकनीकी शर्तों का पालन नहीं करती हैं। गौरतलब है कि सिंधु और सतलज नदी तिब्बत से निकलती है, और वर्तमान में चीन इस नदियों के भारत में प्रवेश करने से पहले इन पर बांध निर्माण और अन्य परियोजनाओं पर कार्य भी कर रहा है। ये तिब्बत से निकलती हैं, आप जानते हैं तिब्बत पर चाइना का अधिकार है, ठीक है? अगर भारत के पक्ष की इसमें बात करें हम लोग, तो संधि के तहत पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों का पानी आवंटित किया गया है, परंतु यह भारत को इन नदियों के पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले जल विद्युत क्षमता का दोहन करने की अनुमति देता है, जो संधि है। संधि के तहत इन पर हम जल विद्युत परियोजनाएं चला सकते हैं। संधि के तहत भारत को सामान्य उद्देश्य बिजली उत्पादन फ्लड स्टोरेज के लिए पश्चिमी नदियों पर क्रमशः 1.25, 1.60 और 0.75 मिलियन एकड़ फिट, यानी कि कुल आप देखेंगे 3.6 MA भंडारण इकाइयों के निर्माण की अनुमति देता है। हालांकि भारत ने अब तक किसी भंडारण इकाई का निर्माण नहीं किया है। साथ ही संधि के तहत पश्चिमी नदियों पर भारत द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं पर कोई मात्रात्मक सीमा या फिर रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं की संख्या पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। संधि को निरस्त करने की मांग की बात अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान द्वारा भारत में सीमा पार आतंकवाद और चरमपंथ को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के बाद कई बार भारत में इस संधि को निरस्त करने की मांग उठती रही है। हमारे भारत की बात करें, कई बार आप भी तो सुनते रहते हैं कि ये संधि हमें निरस्त कर देनी चाहिए। इस संधि में किसी भी पक्ष के द्वारा एक तरफा तरीके से इसे समाप्त करने का प्रावधान नहीं है।
अगर भारत चाहे एक तरफा खत्म कर दे तो खत्म नहीं हो सकती है, ठीक है। हालांकि भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी घटनाएं, जैसे वर्ष 2001 का संसद हमला ले लीजिए, वर्ष 2008 में मुंबई हमला, 2016 में आपने देखा है उरी हमला, 2019 में पुलवामा हमला के बाद भारत बेना समझौते के लॉ ऑफ ट्रेटीज की धारा 62 के अंतर्गत संधि से अलग हो सकता था। हालांकि संधि को निरस्त करने से क्षेत्र में एक बार पुनः अस्थिरता बढ़ने का खतरा बना रहेगा। इसलिए आपने देखा है कि भारत ने जल्दी कोई कदम नहीं भी नहीं उठाता है, बहुत दूर दूर की सोच के चलता है, और सबको एक तरह से भारत की ये नीति ही है सबको साथ लेकर चलने की। संधि के अगर भविष्य की बात करें वो तो विशेषज्ञों के अनुसार भारत और पाकिस्तान को सिंधु नदी तंत्र के जल के आर्थिक महत्व को देखते हुए इसकी क्षमता का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए IWT के अनुच्छेद 7 भविष्य में सहयोग के तहत इसके विकास हेतु साझा प्रयासों को बढ़ावा देने चाहिए। हालांकि वर्तमान में पाकिस्तान और चीन के बीच इस क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को देखते हुए पाकिस्तान के साथ साझा सहयोग पर कोई समझौता बहुत कठिन होगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना की गोद में जाकर बैठ गए। अभी चाइना जो भी कह रहा है वही पाकिस्तान कर रहा है। आईडब्ल्यूटी के अनुच्छेद 12 के तहत किसी उद्देश्य के लिए संधि में संशोधन दोनों सरकारों के बीच उस उद्देश्य के लिए एक विधिवत पुष्टि संधि के द्वारा का प्रावधान है, परंतु पाकिस्तान संधि में संशोधन के माध्यम से वर्ष 1960 में मिले बड़े हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिएगा। वर्तमान परिस्थिति में भारत के पास इस संधि के प्रावधानों को का अधिकतम लाभ लेना ही सबसे बेहतर विकल्प होगा। भारत द्वारा बेहतर जल प्रबंधन परियोजनाओं के अभाव में 2 से 3 MA जल पाकिस्तान में चला जाता है। इसके साथ ही पश्चिमी नदियों पर विद्युत उत्पादन की कुल अनुमानित क्षमता 11,406 MW में से अब तक केवल 3,034 MW का दोहन किया जा सका है। आप समझिए एक बहुत बड़ी यहाँ बिजली उत्पन्न हो सकती है। भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि के तहत प्राप्त अपने अधिकारों का पूरा लाभ लेने के लिए शीघ्र इन परियोजनाओं की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये है पूरी कहानी आपकी सिंधु जल संधि की, ठीक है। इनके बारे में इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में और मेंस में आते रहते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा विस्तार से पढ़ते रहा करिएगा।